की राबड़ी। शीतला माता के पूजन के लिए सबसे आवश्यक जो डिश है वो होती है राबड़ी, कि रात को नाइट में राबड़ी बना के रखी जाती है और सुबह वो माता के भोग के लिए दही छाछ के साथ लेके जाते हैं। तो आज हम यहाँ शीतला माता के भोग के लिए राबड़ी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 1 लीटर बटर मिल्क छाछ लिया है। दही को अच्छे से खट्टा दही लेना है हमें राबड़ी के लिए, तो दही को हमने फैट करके और छाछ बना ली है। हमने यहाँ 1 कटोरी ज्वार का आटा लिया है। ये आटा हम इसमें छाछ में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने पहले से अच्छे से छान लिया है। अच्छे से हमने आटा ज्वार का छाछ में मिक्स कर दिया है। जो भी कोई लम्स हो वो हमने चम्मच की मदद से इसमें मिक्स कर दिए अच्छे से। लम्स हमने सारे मिटा दिए हैं और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ चावल ले रही हूँ, कणकी चावल छोटे वाले जो आते हैं उन्हें हमने अच्छे से धो लिया है। ये भी हम इसमें डाल लेंगे। आधा छोटी चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्ची जिसे बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची राबड़ी में डालने से जब हम इसे छाछ के साथ खाएंगे तो हरी मिर्ची का टेस्ट भी राबड़ी में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसे गैस पे रख के और बस पकाएंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पे हम हमारी राबड़ी के मिक्सचर को रख लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, इसमें उबाल नहीं आ जाती, तब तक हमें इसे लगातार चलाना है। हमें इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम इसे नीचे छोड़ देंगे तो हमारा आटा नीचे तले में लग जाएगा, जल जाएगा, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए जैसे ही आटा पकने लगेगा वैसे ही हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा और अब हम इसे बस पकाना, हमें इसे लगातार चलाते हुए ही है कि और भारी तले का आपको पतीला लेना है ताकि नीचे आपका तले में लगे नहीं। और जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी, ये देखिए इसमें उबाल भी आने वाली है, ये देखिए उबाल आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 1-1 मिनट में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए और पका लेंगे अच्छे से गाढ़ा होने तक, पकने तक कम से कम हम इसे 10-12 मिनट पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, ये देखिए उबलने लगी है। बस ध्यान से हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते हुए पका लेना है। 15-20 मिनट हो गई है हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। हमने गैस की फ्लेम को हाई नहीं किया, पूरी प्रोसेस हमने मीडियम फ्लेम पे किया है। हमने जो इसमें चावल डाले थे वो चावल को हम दबा करके और देख लेंगे अगर चावल हमारा आसानी से दब गया है। ये देखिए पक गए हमारे चावल, मतलब हमारी राबड़ी भी पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब फिर हम इसमें छाछ डाल के और इसको फिर से थोड़ा फेंटेंगे और एक अच्छा लिक्विड तैयार करेंगे पीने का। छाछ राबड़ी जिसे बोलते हैं वो हम इसमें से इससे तैयार करेंगे और माता जी के भोग के लिए हम इस पे दही डाल के और आप भोग के लिए लेके जाइए। ये देखिए ये हमारी राबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है ज्वार के आटे की और अब हम इसमें छाछ डाल के इसको पीने के लिए तैयार करेंगे। आधी हमने अलग रख ली है, हम इसे 2 बार में 3 बार में फ्रिज में रख सकते हैं कि एक दिन हमने आधी बना ली और आधी जब हम पी करके हमने खत्म कर ली तो हम दोबारा घोल सकते हैं। तो इस तरह हमने आधी साइड में रख दी है और अभी हम आधी ही सिर्फ 3-4 गिलास जितनी राबड़ी ही घोल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 प्याला ये राबड़ी ले ली है। 1 तपेली ले लेंगे और उसमें ये राबड़ी हम डाल लेंगे और इसमें हम छाछ डाल के इसको हम पतली कर लेंगे। इस तरह से झेने की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हमने अच्छे से छाछ में मिक्स कर दिया, घोल दिया है और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और जीरा पाउडर डालेंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये हमारी राबड़ी पीने के लिए तैयार हो गई है। जितनी गाढ़ी पतली आपको ये रखनी है वैसी आप इसे रख सकते हैं। अब हम इसे गिलास में डाल के सर्व करेंगे। इस तरह से हम
शीतला माता की पूजा करने के बाद में ठंडी ठंडी राबड़ी पी करके हमारे पेट को भी बहुत ठंडक मिलेगी, हमें बहुत अच्छी लगेगी ये राबड़ी। इस पे आप बर्फ डालिए, ऊपर से थोड़ा जीरा डालिए और बस ठंडी ठंडी इसे पीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इस तरह से हम एक कटोरी में थोड़ी राबड़ी और दही लेकर के हम शीतला माता के भोग के लिए, पूजा के लिए ले जाते हैं। तो ये इस तरह से आप पूजा के लिए रख लीजिए और बाकी आप पीने के लिए तैयार कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी हमारी शीतला माता के व्रत के लिए, पूजा के लिए राबड़ी बनकर के तैयार हुई है। मेन भोग होता है ये शीतला माता का, तो आप ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।